इसमें मैंने आपको बताया 5 idioms and phrases will be given. ये हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक पिछले वीडियो के बाद से मैंने शुरू किया है, और इसमें मैंने आपको बताया कि 5 जो idioms and phrases एग्जाम में दिए जाएंगे, और 5 idioms और phrases में से 3 आपको करने हैं, एंड ईच ऑफ देम विल कैरी इक्वल मार्क्स, मींस 1 मार्क एक नंबर का एग्जाम में आना है. अगर किसी स्टूडेंट को इसकी मीनिंग, idioms और phrases की मीनिंग पता है, तो वो एक ऐसा सेंटेंस बना ही लेगा, 100% वो एक ऐसा सेंटेंस बना लेगा जो उसकी मीनिंग को क्लियर कर सकेगा. देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर द पर्टिकुलर स्टूडेंट्स इन द एग्जाम. किसी भी स्टूडेंट के लिए एग्जाम में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, वो सारा सिस्टम अपना डेवलप कर लेगा, राइट? तो मैं एक एक करके सेंटेंस इसका मीनिंग बताता हूं, और साथ ही साथ आप लोगों को इसकी यूज भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग में इसका यूज बता देता हूं, इसका यूज कैसे होता है. तो बहुत ध्यान से मेरे साथ कनेक्ट हो जाए. मैंने आपको बताया कि इसमें से क्रीमी वर्ड जो है, क्रीमी पार्ट को मैंने स्टार्ट किया है. idioms और phrases तो बहुत ढेर सारे हैं, बट सारे idioms और phrases को बताना दैट इज वेरी हार्ड, नॉट इम्पॉसिबल. लेकिन इस कंडीशन में मैंने क्रीम idioms और phrases उठाए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत एग्जाम के लिए होती है, मैंने उसको मेंटेन किया है. सो जस्ट टेक केयर एंड आई एम अबाउट टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. ओके, जस्ट टेक केयर एंड बी रेडी फॉर दैट. यहां से इधर खड़े होकर के मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना है. बी केयरफुल फॉर दैट. अ ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है? अवांछनीय व्यक्ति. एंड अवॉइडेड पर्सन अवांछनीय व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सबके द्वारा अवांछनीय हो. इट मींस टू से इसको बोलते हैं कामचोर व्यक्ति भी कह सकते हो, निकम्मा व्यक्ति भी इसको कह सकते हो, आप इसे कुछ भी कह सकते हो. मेरे कहने का मतलब वर्कलेस पर्सन. मैं एग्जांपल इसका देना चाहूं तो ये है कि सोहन इज या कुंभकर्ण वॉज अ ब्लैक शीप इन द फैमिली मेंबर्स ऑफ रावण. यानी फैमिली, रावण की फैमिली मेंबर्स में ये जो था कुंभकर्ण, वो ब्लैक शीप पर्सन था. दूसरा कह सकते हैं approximately in every family there is a black sheep person. लगभग हर एक परिवार में एक कोई ना कोई निकम्मा व्यक्ति जरूर होता है, एक निकम्मा व्यक्ति होता है. तो इस प्रकार से ब्लैक शीप का सेंस मेरे ख्याल से समझ गए होंगे. नेक्स्ट और दूसरा पॉइंट है a dog in a manger. manger माने क्या होता है बताए? What is the meaning of manger? किसी को शायद ना पता होगी, MANGER, ये मैंगर लिखा है. मैंगर का मतलब होता हौदा. गांव में देखते होंगे जिसमें जानवरों को चारे वगैरह, ग्रेन्स वगैरह दिए जाते हैं, खाने पीने का एडिबल मटेरियल जो उनको दिया जाता है, स्ट्रॉस वगैरह, भूसा वगैरह, उसको हौदा कहते हैं. या मिट्टी का होता है, उसमें लोग फंक्शन के समय में मिल्क वगैरह रखते हैं, या कर्ड वगैरह, दही वगैरह रखते हैं, उसको हौदा कहते हैं. तो कहते हैं a dog in the manger, यानी हौदा. इसका देखो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो idioms और phrases हमारे होते हैं उनका वर्डकली मीनिंग, जो वर्डिंग्स होती है उनकी, उसका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग कुछ और होता है. अब देखो, एक कुत्ता हौदा में, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन इसका रियल जो idioms और phrases का मीनिंग है वो भाव के अनुसार होता है. इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है अ सेल्फिश पर्सन, स्वार्थी व्यक्ति. जरा सोचिए, आप इमेजिन करिए क्यों इसका ऐसा मीनिंग निकाला गया, इसका शाब्दिकता इसकी देखिए, मीनिंग क्यों निकाली गई. एक हौदा है और उसमें, हौदे में मान लो पानी भरा हुआ है, और उस पानी में आके कुत्ता जो है
अच्छा उसी हौदे के पानी से कई जानवरों को पानी पिलाना है और उसमें कुत्ता के बैठ गया, कूद पड़ा उसमें, ड्राउनिंग कर गया और बैठा है ऐसे ऐसे करता हुआ, पेंटिंग करता हुआ, हाफता हुआ। तो आप जरा सोचो कि जब उसमें कुत्ता है तो उस कुत्ते को कूदने के बाद क्या कोई जानवर उसका पानी पिएगा? कोई जानवर उसका पानी नहीं पिएगा। आप किसी काम के बेकार हो गया वो, इसको मतलब स्वार्थी, यानी वो खुद पीना चाहता कुत्ता, वो खुद पी रहा है और उसमें खुद जाकर के बैठ गया, तो सारा पानी बेकार हो गया। यानी अपने स्वार्थ के लिए अपनी बॉडी को भी टेम्परेचर वो कूल डाउन कर रहा है और पूरे पानी को डिस्ट्रॉय कर दिया उसने। इसी को बोलते हैं डॉग इन द मैंगर, यानी स्वार्थी व्यक्ति। समझते जाना मीनिंग, स्वार्थी व्यक्ति। मैं बोलूं वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ डॉग इन द मैंगर, मेरा एक मित्र जो है अ डॉग इन द मैंगर है, यानी वो बड़ा स्वार्थी व्यक्ति है। इस प्रकार से इसकी मीनिंग कुछ भी एग्जाम में लिख सकते हैं और जहां अ डॉग इन द मैंगर लिखेंगे उसको अंडरलाइन करना है आपको। लॉयंस शेयर, लॉयंस माने शेर होता है, शेर का, शेयर माने हिस्सा यानी भाग। आप इमेजिन करो जरा इसका क्या मीनिंग हुआ। लॉयंस शेयर का मतलब होता है मेजर पार्ट, बड़ा हिस्सा, बड़ा भाग। भाई जब शेर ही है, शेर है तो शेर क्या होगा, उसका बड़ा भाग तो रहना ही रहना है ना, उसका मेजर पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। उसी को बोलते हैं लायंस शेयर, मेजर पार्ट जिसको बोलते हैं। जब लायंस ही है तो लायन का अपना पार्ट दैट विल बी मेजर बिकॉज ही इज वेरी पावरफुल एंड ही इज कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। सो मेजर पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड फॉर हिम, इसी को बोलते हैं बड़ा हिस्सा। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर सहित विद ऑल द बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स माने होता है ना, हाँ दिव्या बड़ा भाग। बिलोंगिंग्स माने होता है सामान, सामान जिसको गांव में कहते हैं ना उबुक तुबुक। क्या बोलते हैं? उबुक तुबुक, उबुक तो कहते ना अपना उबुक तुबुक उठाओ और निकल लो यहां से। अभी बहुत से एक लॉकडाउन में बहुत से मेरे स्टूडेंट्स से बाहरी थे तो शहर में देखा कुछ ऐसे भी क्रूवेल टाइप के जो ओनर्स थे, हाउस ओनर थे, उन्होंने कहा भाई जब किराया नहीं देना है आपको, रेंट नहीं देना है तो अपना उबुक तुबुक उठा के निकल लो गांव जाके। उबुक तुबुक का मतलब समझ रहे ना, बैग एंड बैगेज, व्हाट यू हैव एवरीथिंग, डोमेस्टिक थिंग, पर्सनल थिंग, सारी चीजों का जो कलेक्शन है दैट इज नोन एज बैग एंड बैगेज। उसी को बोलते हैं उबुक तुबुक, बुरिया बिस्तर के साथ, बुरिया बिस्तर के साथ। बर्न वन्स फिंगर, अपनी उंगली को जलाना, इसका मतलब होता है ट्रबल टू वन सेल्फ, अपने को मुसीबत देना, यानी मुसीबत मोल लेना, खुद मुसीबत लेना, इसको बोलते हैं बर्न वन्स फिंगर, अपनी उंगली को जलाना यानी मुसीबत को मोल लेना, राइट। अगला बोलता है ब्लू ब्लड, क्या बोलता है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब अब आप सोचो कि नीला ब्लड, नीला खून, तो नीला खून नहीं है, नीला खून नहीं है। ब्लू ब्लड का तात्पर्य है बहुत उच्च घराने से, जिसको बोलते हैं सुसंस्कृत, यानी संस्कृति और सभ्यता से भरा हुआ, संस्कृति और सभ्यता से भरा हुआ जिसको बोलते हैं उसी को बोलते हैं ब्लू ब्लड, राइट। उच्च कुलीन, यानी कुलीन जिसको बोल सकते हो, कुलीन कह सकते हैं। अब इसमें कुलीन का तात्पर्य यह नहीं होता है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म ले या और कोई, हाँ अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है इसका बर्ड वन फिंगर। इसका तात्पर्य है जो नेक करता है, नेक कार्य करता है, नोबेलिटी से भरे उसके वर्क होते हैं, उसकी एक्टिविटीज होती है, उसको बोलते हैं क्या, ब्लू ब्लड, उसको ब्लू ब्लड बोलते हैं। अगला बोलता है कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है, आप सोचो जरा सा क्या मतलब होता होगा। मान लो आप नहीं जानते, चलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप नहीं जानते, आप बताओ एक कमरे में या एक घर में कुत्ता और बिल्ली दोनों एक साथ रहें, कुत्ता और बिल्ली दोनों एक साथ एक घर में रहें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जस्ट कंसीडर अबाउट दिस, सोचे इस बात को क्या प्रभाव पड़ने वाला, इस बात को सोचें, इसको विचार करें। तो कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है द लाइफ ऑफ ट्रबल, द लाइफ ऑफ ट्रबल, कष्ट से भरा जीवन। जो कष्ट से भरा हमारा जीवन होता है उसको बोलते हैं क्या, कैट एंड डॉग लाइफ।
कष्ट से भरे जीवन को बोलते हैं कैट एंड डॉग लाइफ। नेक्स्ट बोलता है कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट ध्यान से सुनिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है फिजिकल पनिशमेंट। फिजिकल पनिशमेंट का मतलब होता है शारीरिक दंड। जो शारीरिक दंड दिए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट। और एक होता है स्टूडेंट अभी जान लो कैपिटल पनिशमेंट, इसी से मिलता जुलता मुझे वहीं पर वैसे लिख देना चाहिए था, यहां अगर दिख रहा हो तो मैं दिख नहीं रहा है मैं लिख सकता हूं यहां पे, इसको ध्यान से यहां ऊपर लिख देता हूं कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट इसका मतलब होता है द पनिशमेंट ऑफ डेथ, इसको बोलते हैं मौत की सजा। क्या बोलते हो इसको? मौत की सजा, इसको बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट, मतलब द पनिशमेंट ऑफ डेथ, इसको मौत की सजा कहा जाता है। कॉर्पोरल पनिशमेंट और कैपिटल पनिशमेंट दो होते हैं, दोनों को याद रखिए। व्हाट इज कॉर्पोरल पनिशमेंट? आंसर है कॉर्पोरल पनिशमेंट इज गिवेन इन द फिजिकल पार्ट ऑफ बॉडी, किसी के शारीरिक अंगों में जो दंड दिया जाता है, जो कार्रवाई की जाती है, उसको हम लोग कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं। लेकिन किसी को मौत की सजा अगर सुना दी जाती है, किसी को मौत की सजा सुना दी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कैपिटल पनिशमेंट, उसको मौत की सजा उसको कहते हैं कि अरे ये तो मौत की सजा पा गया। मौत की सजा दो होते हैं पनिशमेंट, फिलहाल दो पनिशमेंट होते हैं, दोनों को ध्यान से सुनना है। अगला हमारा है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, अब इसका शाब्दिक अर्थ अगर वर्डिंग्स में लेते हैं तो वर्डिंग्स में लेने पर इसका क्या मीनिंग होता है कि बर्फ को तोड़ना। ना, गलत हुआ। इसका मीनिंग बर्फ का तोड़ना नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, ब्रेक द साइलेंस। ब्रेक द साइलेंस इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, यानी किसी बात पर अचानक बोल पड़ना। किसी बात पर अचानक बोल पड़ना यानी जो बंदा बोलता, मान लीजिए सपोज दैट किसी को सदमा लग गया या कोई बहुत पीसफुल पर्सन है, he is not willing to speak something on a particular topic, no doubt, suddenly अगर उसने बोला तो उसी को बोलते हैं break the ice, यानी चुप्पी तोड़ देना। अचानक वो हुंकार से बोलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? break the ice, चुप्पी तोड़ना। एक बार पुनः मैं रिपीट करता हूं फर्स्ट वर्ड से, कैपिटल पनिशमेंट मौत की सजा, ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मतलब क्या बताया मैंने? कामचोर आदमी, निकम्मा आदमी। डॉग इन द मैंगर, डॉग इन द मैंगर स्वार्थी व्यक्ति, सेल्फिश पर्सन। अलायंस शेयर, मेजर पार्ट, बड़ा हिस्सा जिसको बोलते हो, बड़ा हिस्सा, राइट। बैग एंड बैगेज, बुढ़िया बिस्तर के साथ, विथ ऑल द बिलोंगिंग, सारा सामान सहित। बर्न वन फिंगर, अपने को मुसीबत देना, अपने को परेशान करना। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? सुसंस्कृति, नेक कुली, यानी कुलीन, आप शॉर्टकट बोल दो कुलीन। कैट एंड डॉग लाइफ, द लाइफ ऑफ ट्रबल, कष्टों से भरा जीवन, परेशानियों का जीवन। कॉर्पोरल पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट, शारीरिक सजा जिसको शारीरिक सजा कहते हैं। एंड ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? चुप्पी तोड़ना। क्या होता है इसका मतलब? ब्रेक द साइलेंस, चुप्पी तोड़ना इसका तात्पर्य होता है। कोई डाउट हो तो बताएं, एनीबडी ऑफ यू कोई डाउट? यहां पर आ जाओ, नेक्स्ट कंडीशन। जैसे इसका एग्जांपल अगर ये कह दिया जाए कैपिटल पनिशमेंट का, तो इसमें द क्रिमिनल वॉज गिवेन द कैपिटल पनिशमेंट थ्रू द कोर्ट, द क्रिमिनल वॉज गिवेन द कैपिटल पनिशमेंट थ्रू द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा उस अपराधी को मौत की सजा दे दी गई। इस प्रकार से आप इसका वर्ड यूज कर सकते हैं। इफ इन मेनी फैमिलीज, बहुत से परिवारों में द लाइफ ऑफ द फैमिली मेंबर्स
इज जस्ट लाइक अ कैट एंड डॉग। परिवार में बहुत से ऐसे फैमिलीज हैं जहां पर लोगों का जीवन कैसे है, बिल्ली और कुत्तों की तरह होता है, बिल्ली और कुत्तों की तरह लोगों का जीवन होता है। तो इस प्रकार से अपने सिस्टम को समझने की जरूरत है, इन वर्ड्स को इस प्रकार से समझना है, यानी किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं।